गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आम कोण उपरे पढ़ा तो यहाँ आम जो 8 क्लास रो 1B तुम मानक बहुत काम आसो ए कोण विषय जाणीपा आज कोण विषय आलोचना करवा तो वीडियो को फॉरगेट न करी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देख आ नोट कर नियो। तो कोण सम्बन्धी समस्त तथ्य कोण आज से विषय आलोचना करवा तो पूर्व क्लास रे बा पूर्व क्लास रो आम पढ़ीचे जाणीचे अनुरूप कोण कोण एकांतर कोण कोण तो से विषय आम टे आलोचना करनेपर आम अन्य टॉपिक को जीवा। तो फास्ट से देला तो ये जदि दुईटी सरल रेखा को एक छेदक छेदक उत्पन्न होता समस्त कोण को आम कोण कह फास्ट आम पढ़ा अनुरूप कोण। तो जदि दुईटी सरल रेखा ये है दुईटी सरल रेखा ये सरल रेखा नाम मुझे एल वन आल टू बा लाइन वन लाइन टू ताकू जदि गोटे छेदक छेदक केतोटी कोण ना एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठटा कोण उत्पन्न होला। ए आठटा कोणर परिचय पिला माने भिन्न भिन्न। तो फास्ट आम पढ़ा अनुरूप कोण जोड़ा तो अनुरूप कोण कोड़ाको ना वन आउ फाइव जोटा वन आउ फाइव एटा है अनुरूप कोण एवं टू एवं सिक्स ये हूँ अनुरूप कोण फोर एवं एट हूँ अनुरूप एवं थ्री आउ सेवेन हूँ कौन ना अनुरूप कोण। तो एकांतर कोण कोड़ाक ना फोर एवं फाइव ये हूँ ए ए कोण जोड़ा हूँ फोर कोण आ फाइव कोण ए कोण दुईटा हूँ कौन एकांतर कोण एवं थ्री कोण एवं एट सॉरी थ्री कोण एवं सिक्स कोण ये दुईटा कोण हूँ कौन ना एकांतर कोण। ताले एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण को गुड़ाक तो एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण हूँ फोर एवं सिक्स ये हूँ फोर एवं सिक्स एक पार्श्व गोटे सैड्रे एवं भितर थिबा कोण गुड़िक फोर एवं सिक्स थ्री एवं फाइव तो ये दुईटा ए चार हूँ कौन ना एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण। तापरे प्रतिब कोण पिलाने तो पिलाने प्रतिब कोण तो प्रतिब कोण कोड़ाक प्रतिब कोण ना फोर एवं वन तो फोर ये हूँ फोर एवं वन एवं थ्री एवं टू सिक्स सेवेन फाइव एट ये गुड़ाक हूँ कौन ना प्रतिब कोण। तो भल भाव लिखि दि मु तुमको देखा तो यहाँ भल भाव तुम नोट कर नियो। तापर आमर आसला परस्पर परिपूरक कोण तो परस्पर परिपूरक कोण को गुड़ाक ना सिक्स एवं एट फाइव एवं सेभेन आउ जोटा है ये परस्पर परिपूरक टू एवं फोर वन एवं थ्री एगुड़ाक हूँ कौन ना परस्पर परिपूरक कोण। तो भल भाव आपको नोट कर नियो ये हूँ परस्पर परिपूरक कोणर समस्त नोट प्रतिब कोण एकांतर कोण एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण एवं अनुरूप कोण पिलाने ये समस्त कोण आठटा कोणर परिचय तुम्हें पाइल। तापर पे आम कोण क्या कहा जाए कोणर डेफिनेशन कोण कोणर संज्ञा कौन से विषय आम जाना। तो कोण हूँ कोण विषय पढ़ा पूर्व कोण क्या कहुए से पढ़ा जदि आम गोटे समतल उपर तीनो पृथक बिंदु नवा तो तीनो पृथक बिंदुर नाम देद ए बी सी जदि एक सरलरेखा तीनो पृथक बिंदु ए बी सी जदि एक सरलरेखा अवस्थित न हूँ बा नैकरेखी गोटे समा गोटे सरलरेखा आकार न था नैकरेखी अवस्था रही था तेरे बी ए रश्मि और बी सी रश्मि द्वय को संजोग को गोटे कोण कह जाए यह एबीसी कोण द्वारा सूचा जाए। तेणु एबीसी कोणटा क्या नहीं गठित हे ना बी ए रश्मि यूनियन बी सी रश्मि जोटा कि नैकरेखी अच्छी यूनियन अर्थ कौन संजोग ए दुईटाक रश्मि संजोग में गोटे कोण सृष्टि हे जमीती यहाँ हूँ गोटे समतल पिले खाता जब गोटे समतल है मुझे तीनो बिंदु नेली ए बी सी ए दुईटाक बिंदु गोटे कौन नैकरेखी अवस्था अच्छा गोटे सरलरेखा मैंने नहांती। तो ए बी ए रश्मि एवं बी सी रश्मि को संजोग जो संजोग जोटी संजोग है जो कोण उत्पन्न है ये कोणटी उत्पन्न है यह आम कौन कह कोण कह जाए मेजरमेंट ऑफ बी ए सी ए बी सी कोण बोली आम कह सी बी ए कोण बोली आम यह परिचय आम दवा। तो कोण क्या जान लो नेक्स्ट तापर आम कह कोणर पिले अंतर्देश जोटा कि आम कह इंटेरियर ऑफ अन एंगल जोटा आम कह कोणर अंतर्देश। तो कोणर अंतर्देश पिले क्या कह जाए ना जदि एबीसी समतल रे
एबीसी समतल रे जेउ सबु बिंदु बीसी रश्मिर ए पार्श्व और बीए रश्मिर सी पार्श्वर अवस्थित ताहाकु कोणर अंतर्देश कहा जाए। तो गोटे जदि आम कोण करिबा तीनोटी गोटे समतल समतल रे तीनोटी बिंदु देले एवं ताकु संजोग करिबा संजोग कले दुईटा रश्मि तैयारी होची बीए रश्मि और बीसी रश्मिर संजोग रे गोटे कोण सृष्टि होला ए जो एबी रश्मिर सी पार्श्व एटा एटा एबी रश्मिर सी पार्श्व और बीसी रश्मिर ए पार्श्व ए दुईटा को पार्श्व रे जो अंतर्देश रे जो बिंदु माने रहले सेमानकु कोणर अंतर्देश बिंदु बोली कहा जाए बा कोणर अंतर्देश बोली कहा जाए बा इंग्राजी रे हाउ कहा जाए इंटीरियर ऑफ एंगल। तापरे नेक्स्ट आमे कोणर बहिर्देश जोटा के आमे कहिबा एक्सटेरियर ऑफ एंगल। तो कोणर बहिर्देश कोण तले एक्सटेरियर ऑफ एंगल जो समतल रे बा एबीसी समतल रे जो सब बिंदु एबीसी कोणर अंतर्देश रे नाहंती सही मानकर सेट को एबीसी रो बहिर्देश बोली कहा जाए। तो जदि एठी तीनोटी बिंदु गोटे समतल रे देली तीनोटी बिंदु ए तीनोटी बिंदु जहाँ एबी रश्मिर सी पार्श्व रे एवं बीसी रश्मिर ए पार्श्व रे एगुडा खला दर अंतर्देश ए अंतर्देश रे जो बिंदु गुडी को नथांती बा अंतर्देश बाहर जो बिंदु गुडी को थांती एबीसी कोणर बाहर जो बिंदु गुडी को थांती एटा को आमे कहबा एक्सटेरियर ऑफ एंगल जोटा के आम इंग्राजी आम कौन कहवा ना एक्सटेरियर ऑफ एंगल। तो ये कोणर बाहर सब बिंदु गुड़ाक सब गठित तो युवा आम कौन कहवा ना एक्सटेरियर ऑफ एंगल। तो पहले किसी जिनस मन रखा तो कोणर अंतर्देश एक उत्तल सेट मात्र कोण निजे उत्तल सेट नुहे तो कोणर अंतर सेट यू कहपर गोटे उत्तल सेट कि कोण स्वतंत्र गोटे कौन ना उत्तल सेट नुहे एटा तो हूँ आम मन रखा पड़ो। तो कोणर बहिर्देश हूँ कौन उत्तल सेट नुहे पे कोणर बहिर्देश हूँ बा कोणर मेजरमेंट बी ए सी कोणर बहिर्देश हूँ कौन ना उत्तल सेट नुहे। ताल इला मेजरमेंट बा एबीसी कोण एवं एबीसी कोणर अंतर्देश एबीसी कोणर बहिर्देश तीनोटी सेट परस्पर को बा परस्पर अणछेदी बा जोटा कि आम कह सरी म्यूचुअल डिसजॉइंट। तो यहाँ को आम कौन कहवा ना अणछेदी बोली आम कह तो आम देखा कोणर परिमाण जोटा कि आम मेजर बा मेजर ऑफ एंगल ऑफ एन एंगल जोटा कोणर परिमाण जोटा कि आम प्रोट्रैक्टर स्वीकार जा प्रोट्रैक्टर फ्लैजुलेट बोली आम कहे इंग्राजी से ना। तो पे प्रतिपकोण प्रतिपकोण सहित जीरो ठारु बड़ एवं 180 रु सान एक निर्दिष्ट वास्तव संख्या संपृक्त जहाँ को कोणर परिमाण बोली कहा जाए कोणर परिमाण क्या कह जानपरल। तो प्रतिपकोण सहित जीरो ठारु बड़ बा 180 ठारु सान एक निर्दिष्ट वास्तव संख्या संपृक्त जहाँ को कोणर परिमाण बोली कहा जाए। नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर स्वीकार्य कौन ना प्रोट्रैक्टर स्वीकार्य यहीटा को आम कौन कह जो फर्मूलाटा मुझे डेफिनेसनटा मुझे यहाँ को आम प्रोट्रैक्टर स्वीकार्य बोली कहा जाए। तो प्रोट्रैक्टर स्वीकार्य अनुजाई कोणर परिमाण निर्णय करुवा जेकोसी जंत्र उपाय को प्रोट्रैक्टर बोली कहा जाए बोले आम जो ज्योमेट्री करूचे तो प्रोट्रैक्टर आम कोण निर्णय करने कोण मेजरिट करने दरकार प्रोट्रैक्टर। तो से जो जंत्रटा रहा आम कौन कह ना प्रोट्रैक्टर बोली कहा जाए। तो डिग्री माप क्या कह जाए प्रोट्रैक्टर आम देखी थो 60 डिग्री 30 डिग्री 15 डिग्री 22 डिग्री ये सब डिग्री तुम देखी थो। तो ये डिग्री माप क्या कह जाए तो तार डेफिनेशन अच्छी तो कोणर परिमाण बा कोणर परिमाण जीरो ठारु बड़ और 180 ठारु सान 180 ठारु सान बोली स्वीकार्य कले तो लब्ध परिमाण को कोणर डिग्री माप कहा जाए एवं संपृक्त प्रोट्रैक्टर को डिग्री प्रोट्रैक्टर बोली कहा जाए। तो बुझिपार तो से कोणर परिमाण जदि जीरो ठारु बड़ हुए एवं जीरो ठारु सान बोली स्वीकार्य कले लब्ध परिमाण बा जो उक्त मेजोरीटी आम जो करती डिग्री बोली है जो मेजोरीटी करता डिग्री माप बोली कहा जाए संपृक्त प्रोट्रैक्टर को डिग्री प्रोट्रैक्टर बोली कहा जाए। तो पहले रेडियन माप क्या कहा जाए तो कोणर परिमाण जीरो ठारु बड़ एवं पायरु स्थान स्वीकार कले लब्ध परिमाण को कोणर रेडियन माप बोली कहा जाए। तो बुझीगला तो ये से देला कोणर परिमाण को जीरो ठारु बड़ एवं पायरु स्थान स्वीकार्य कले बा स्वीकार कले लब्ध परिमाण को कोणर रेडियन माप बोली कहा जाए।
तो पिलाने आमे एपर्यंत आज पढ़ले डिग्री माप पर्यंत पढ़ले एवं कोणर डिग्री क्या कहा से विषय आम जानले तो आउ किछि तथ्य आम नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करिबा। से पर्यंत वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स रे जदि कोनोसी क्वेश्चन डाउट रहे पिला माने फास्ट रूम कहि आसुची तुम्हें कि सब्सक्राइब कि लाइक भी करुन जदि वीडियो भल लगी था तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर एवं कमेंट बॉक्स रे मते क्वेश्चन करिब जदि कोनोसी क्वेश्चन तुम मानकर डाउट रही था तो से पर्यंत तुम्हें प्रैक्टिस कर या को नोट कर भल भाव पढ़ तो तुमको ज्योमेट्री कौन असुविधा होबा नहीं। धन्यवाद।